अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैदा नाहिदा खादरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। बहादुरपुरा पुलिस फरकनामा डिवीजन सौजन ने एक मर्डर केस का अक्यूज को पकड़ा था। एक्चुअली जो मर्डर कल एक मर्डर हुआ था मदीना बेकरी के सामने एनमगुड़ा में किशन बाग में। इसमें डिटेल्स पे जाएंगे तो जिसका कत्ल हुआ उसका नाम है मोहम्मद रशीद और उसका जो अक्यूज को हमने पकड़ा था उसका नाम है सद्दाम। दोनों जीजा साला होना था। जो अक्यूज है सद्दाम का बीवी से कुला देने में ये राशिद ने हेल्प किया था, तो उसके बारे में सोचते हुए अक्यूज जो है सद्दाम बहुत उसके ऊपर गुस्सा और उसके ग्रज आया था उसके ऊपर कि रिवेंज लेने के लिए बहुत सोच रहा था। और कल मौका दे के गाड़ी पे आया था, स्विफ्ट कार पे आके चाकू छुपा के आके उनसे मिलने जैसे आया और आते ही उनके ऊपर अटैक किया, हमला किया। वो अटैक में वो नीचे गिर के वहीं पे ऑन द स्पॉट मर गया और ये अटैक करके सद्दाम वहां से भाग गया। ये तो इंफॉर्मेशन आने के बाद सभी लोग पुलिस हमारा जो लोकल पुलिस वहां पहुंच गए, एरिया को देखा और वहां पे जो भी एविडेंस है उसको कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रखने के बाद कल रात को एम पहाड़ी के पास इसको इंटरसेप्ट किया और उनके साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज किया नाइफ वगैरह भी हम लोग रिकवर किया। सभी से एक रिक्वेस्ट है कि छोटा छोटा जैसे झगड़ा कभी भी कुछ भी हो उसमें इतना ड्रास्टिक स्टेप्स ना ले। अब जे आप इस चीज पे आप देख सकते हो अजमेर मियां बीवी का झगड़ा था और दोनों ने कुला लिया तो उसकी कुला का रीजन उनका साला सोच के अटैक किया और मार दिया। इनकेस आपको कोई भी ये प्रॉब्लम लगता है कि किसी आप लोग हरास कर रहे कुछ भी कर रहे प्लीज हमारे लोकल पुलिस स्टेशन पे इंफॉर्मेशन दीजिए, उनके ऊपर सख्त एक्शन होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है सर, कितने ठीक है।